दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर को क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर के साथ में। 732G प्रोसेसर हमको रिसेंटली पोको X3 के अंदर देखने के लिए मिला। प्रोसेसर काफी अच्छा है लेकिन 4G प्रोसेसर है। बात करेंगे 750G की तो अभी तक हमको किसी भी डिवाइस में देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन सैमसंग के गैलेक्सी A42 के अंदर हमको सबसे पहले देखने के लिए मिल सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर। आज के वीडियो में करते भाई इन्हीं दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखते भाई दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है। फटाफट से कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंपैरिजन को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं। लाइक टारगेट अपन रखते हैं 200 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। स्नैपड्रैगन 732G लॉन्च हुआ है 31 अगस्त 2020 को। स्नैपड्रैगन 750G लॉन्च हुआ है 22 सितंबर 2020 को। दोनों ही प्रोसेसर 2020 में लॉन्च हुए हैं, लेकिन लॉन्च डेट के हिसाब से स्नैपड्रैगन 750 एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है। CPU और CPU क्लॉक स्पीड की अगर बात करें, दोनों प्रोसेसर के अंदर हमको डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर में हमको 2+6 की बिग लिटिल अप्रोच दी गई है। स्नैपड्रैगन 732G की बात करते हैं, यहाँ पर 2 कोर हमको मिलते हैं परफॉर्मेंस वाले टास्क के लिए। यहाँ पर मिलता है क्रायो 470 गोल्ड CPU जो कि बेस्ड है आर्म कॉर्टेक्स A76 के ऊपर। क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 2.3 GHz की। और 6 कोर हमको मिलते हैं एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहाँ पर मिलता है क्रायो 470 सिल्वर CPU जो कि बेस्ड है आर्म कॉर्टेक्स A55 के ऊपर। क्लॉक स्पीड मिलती है 1.8 GHz की। दूसरी तरफ बात करेंगे स्नैपड्रैगन 750G की, यहाँ पर हमको 2 कोर मिलते हैं परफॉर्मेंस वाले टास्क के लिए, जहाँ पर मिलता है क्रायो 570 गोल्ड CPU जो कि बेस्ड है आर्म कॉर्टेक्स A77 के ऊपर। क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 2.2 GHz की। और 6 कोर मिलते हैं हमको एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहाँ पर मिलता है क्रायो 570 सिल्वर CPU जो कि बेस्ड है आर्म कॉर्टेक्स A55 के ऊपर। क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 1.8 GHz की। दोनों के CPU को अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको सेम मिलता है। एफिशिएंसी कोर्स में आपको कोर भी सेम मिल रहे हैं और क्लॉक स्पीड भी आपको सेम मिल रही है, लेकिन जो परफॉर्मेंस कोर्स हैं वहाँ पर आपको लेटेस्ट वाला CPU मिलता है 750G के अंदर जो कि बेस्ड है आर्म कॉर्टेक्स A77 के ऊपर। क्लॉक स्पीड भाई थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिलती है 732G में, लेकिन परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगी 750G में, क्योंकि यहाँ पर A77 का यूज़ किया गया है। इसलिए CPU और CPU क्लॉक स्पीड के मामले में स्नैपड्रैगन 750G बेटर प्रोसेसर है। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर बने हुए हैं सैमसंग की 8 नैनोमीटर की LPP फैब्रिकेशन प्रोसेस पर। फैब्रिकेशन प्रोसेस का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि भाई जब प्रोसेसर बनाया जाता है उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं उनका साइज क्या रखा गया है, और सेमीकंडक्टर का साइज जितना छोटा रखा जाता है प्रोसेसर उतना बेटर परफॉर्म करता है, हीट भी उतना ही कम होता है और एनर्जी एफिशिएंसी आपको उतनी ही ज्यादा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट के ऑक्टाकोर प्रोसेसर हैं, यानी दोनों प्रोसेसर में आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीटास्किंग के लिए 8-8 कोर मिलते हैं। GPU यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 732G के साथ में मिलता है हमको क्वालकॉम अड्रेनो 618 GPU। ये वाला जो GPU है ये बना हुआ है 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर और 900 MHz पर इसको क्लॉक किया गया है स्नैपड्रैगन 732G के साथ में। स्नैपड्रैगन 750G की अगर बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको क्वालकॉम अड्रेनो 619 GPU। ये वाला भी GPU बना हुआ तो 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर ही है, लेकिन क्लॉक कितने पर किया गया है ये चीज मेंशन कहीं भी नहीं करी गई है। और बात की जाए भाई इस GPU के स्कोर्स की या दोनों GPU के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो Adreno 619 से आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। Adreno 618 का जो GPU स्कोर निकल के आता है वो 97-98 के आसपास निकल के आता है। Adreno 619 का GPU स्कोर तो वैसे डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि 103-104 पॉइंट के आसपास ये वाला GPU निकाल लाएगा। और भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तकरीबन 5 पॉइंट का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है परफॉर्मेंस के मामले में, और GPU की परफॉर्मेंस आपको स्नैपड्रैगन 750G से बेटर मिलेगी। रैम सपोर्ट की अगर बात की जाए तो दोनों प्रोसेसर के साथ में डुअल चैनल LPDDR 4X रैम का सपोर्ट मिलता है। स्नैपड्रैगन 732G की अगर बात करें तो यहाँ पर 8GB तक की आपको रैम मिल सकती है 1866 MHz की रैम फ्रिक्वेंसी पर। स्नैपड्रैगन 750G के साथ में आपको 12GB तक की रैम मिलेगी 2133 MHz की रैम फ्रिक्वेंसी पर। तो रैम सपोर्ट के मामले में 750G बेटर प्रोसेसर रहेगा।
स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोनों प्रोसेसर के साथ में आपको eMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों टाइप की स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। अब भाई ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप फ़ोन खरीदते हो तो वहाँ पर आप ध्यान रखें कि स्टोरेज टाइप कौन सा मिल रहा है। UFS 2.1 अगर मिलता है तो रीड राइट की स्पीड आपको बेटर मिलेगी। स्टोरेज सपोर्ट के मामले में यहाँ पर दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। कैमरा सपोर्ट की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 732G के साथ में आपको 22+22 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिल सकता है, जहां पर आपको MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट मिलेगा। 30 FPS का आपको फ्रेम रेट मिलेगा। सिंगल कैमरा की बात करें, अगर 36 मेगापिक्सल तक का सिंगल कैमरा यूज़ किया जाता है तो वहां पर आपको MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट मिलता है, 30 FPS का फ्रेम रेट मिलता है। अगर 48 मेगापिक्सल तक का कैमरा यूज़ किया जाता है तो वहां पर आपको ZSL का सपोर्ट नहीं मिलता है, वहां पर केवल आपको MFNR का सपोर्ट मिलता है और मैक्सिमम कैमरा साइज यहां पर मिलता है 192 मेगापिक्सल का। स्नैपड्रैगन 750G की अगर बात करें तो यहां पर आपको 16+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप MFNR और ZSL के सपोर्ट के साथ में 30 FPS पर और सिंगल कैमरा मिलता है आपको 32 मेगापिक्सल तक का MFNR और ZSL के सपोर्ट के साथ में, जहां पर भी आपको फ्रेम रेट मिलता है 30 FPS का। अगर ZSL का सपोर्ट ना लिया जाए तो 48 मेगापिक्सल तक का कैमरा आपको मिल जाता है, जहां पर केवल आपको MFNR का सपोर्ट मिलेगा और मैक्सिमम कैमरा साइज यहां पर भी आपको मिलता है 192 मेगापिक्सल का। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 732G थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों प्रोसेसर के साथ में आप अप टू 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों प्रोसेसर के साथ में 2160 पिक्सल्स वाले 4K अल्ट्रा HD वीडियो 30 FPS पर, 1080 पिक्सल्स वाले फुल HD प्लस वीडियो 120 FPS पर और 720 पिक्सल्स वाले HD प्लस वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 240 FPS पर। हल्का फुल्का स्लो मोशन में भी उसको कन्वर्ट आप कर सकते हैं। तो वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात की जाए, स्नैपड्रैगन 732G के साथ में आपको क्वाड HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, जहां पर रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है 1440x3360 पिक्सल्स का। लेकिन अगर क्वाड HD प्लस डिस्प्ले यूज़ किया जाता है तो वहां पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर फुल HD प्लस डिस्प्ले यूज़ किया जाता है यहां पर 732G के साथ में, तो वहां पर आपको 120Hz तक का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल सकता है। स्नैपड्रैगन 750G के साथ में आपको मैक्सिमम रिजोल्यूशन ही मिलता है फुल HD प्लस डिस्प्ले का, 2520x1080 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है, लेकिन यहां पर भी आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल सकता है। तो फुल HD प्लस वाले डिस्प्ले की कैपेबिलिटीज तो दोनों प्रोसेसर की सेम है, लेकिन 732G के साथ में आपको एडिशनल क्वाड HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, इसलिए डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 732G बेटर प्रोसेसर है। नेटवर्क मॉडेम की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 732G के साथ में मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X15LTE मॉडेम। यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है। डाउनलिंक के लिए यहाँ पर कैट 15 मॉडेम मिलता है। डाउनलोड स्पीड मिलती है 800 Mbps की। अपलिंक के लिए कैट 13 मॉडेम मिलता है और अपलोड स्पीड मिलती है आपको 150 Mbps की। स्नैपड्रैगन 750G एक 5G प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X52 इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम देखने के लिए मिलता है, जो कि डाउनलोड स्पीड देता है 5G नेटवर्क पर 3.7 Gbps की और 4G नेटवर्क पर डाउनलोड स्पीड देता है 1.2 Gbps की। अपलोड स्पीड की बात करेंगे तो 5G नेटवर्क पर 1.6 Gbps है और 4G नेटवर्क पर मिलती है 210 Mbps की। अब कंपैरिजन में अगर स्नैपड्रैगन 750G की 5G स्पीड्स को कंपेयर हम ना भी करें तो 4G स्पीड भी आप देखोगे तो स्नैपड्रैगन 750G के साथ में आपको 4G नेटवर्क पर स्पीड्स ज़्यादा मिल रही है, इसलिए नेटवर्क मॉडेम के मामले में स्नैपड्रैगन 750G बेटर प्रोसेसर है। एंटूडू स्कोर्स की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 732G को मिले हैं लगभग 301,188 पॉइंट। स्नैपड्रैगन 750G के स्कोर्स तो डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अगर मैं बताऊं ना भाई, तो 315,000 310,000 के आसपास मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इतना स्कोर तो स्नैपड्रैगन 750G कर जाएगा और एंटूडू के हिसाब से स्नैपड्रैगन 750G बेटर प्रोसेसर रहेगा। लास्ट में बात करते हैं गीकवेंच स्कोर की। स्नैपड्रैगन 732G को सिंगल कोर में मिले हैं 571 पॉइंट, मल्टी कोर में मिले हैं 1732 पॉइंट। स्नैपड्रैगन 750G के गीकबेंच स्कोर्स तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जैसे ही डिक्लेयर होंगे वैसे ही मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से इंस्टाग्राम पर आ जाओ, फटाफट से फॉलो कर लो। तो भाई ये था कंपैरिजन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर का क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर के साथ में। CPU से अगर स्टार्ट करें, CPU आपको बेटर मिलता है 750G के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भाई भले ही से क्लॉक स्पीड आपको थोड़ी सी कम मिल रही है, लेकिन यहाँ पर कोर्स आपको लेटेस्ट मिलते हैं A77 वाले, जो कि परफॉर्मेंस आपको बेटर देते हैं।
सीपीयू के मामले में 750G बेटर प्रोसेसर है, जीपीयू के मामले में भी 750G बेटर प्रोसेसर है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक जनरेशन आगे का जीपीयू मिलता है 619 वाला। तकरीबन 5 पॉइंट का डिफरेंस मैंने आपको बताया कि इतना डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है भाई। तो जीपीयू की परफॉर्मेंस भी आपको बेटर मिलेगी 750G के साथ में। फैब्रिकेशन प्रोसेस दोनों प्रोसेसर की सेम है, 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बने हुए हैं। रैम सपोर्ट आपको बेटर मिलता है, रैम फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मिलती है आपको 750G के साथ में। और मॉडेम की अगर बात करेंगे तो मॉडेम भी आपको बेटर मिलता है 750G में। 5G की बात अगर ना भी करें तो 4G नेटवर्क पर भी आपको बेटर स्पीड मिलती है। तो ओवरऑल अगर इस बैटल का अल्टीमेट विनर की बात करें, मेरे हिसाब से इस बैटल का अल्टीमेट विनर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।